आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्री रेखा आर्या ने किशोरी मंगल दल बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि युवा मंगल दल और महिला मंगल दल के तर्ज पर अब राज्य में किशोरी मंगल दल भी बनाया जाएगा, जिससे सरकार की योजना का लाभ सीधा किशोरियों को मिल पाएगा। रेखा ने कहा, इससे पहले महिला मंगल दल और युवा मंगल दल के लिए सरकार की योजनाएं पहुंचा करती थी, लेकिन बालिकाओं के लिए सीधा लाभ नहीं पहुंचता था। ये हमारे पास में युवा कल्याण विभाग भी है, और युवा कल्याण विभाग और पीआरडी के माध्यम से हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे पीआरडी के जवान लगातार रोजगार में बने रहें, और युवा कल्याण के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारे नवयुवक मंगल दल गठित हैं, जो हमारे महिला मंगल दल गठित हैं, ये दोनों ही मंगल दलों में हमें ये महसूस होता था कि कहीं ना कहीं जो है किशोरी उसमें से सीन में रहती नहीं थी, क्योंकि जब भी हमने साजो सामान दिया तो वह हमने नवयुवक मंगल दल में हमारे युवक रहते थे, एक भी लड़की का उसमें प्रतिभाग नहीं होता था। महिला मंगल दल में एक भी किशोरी का प्रतिभाग हम नहीं देखते थे, लगभग सब विवाहित महिलाएं उसमें रहती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि किशोरी मंगल दल को भी हमारे को जन्म देना चाहिए, और हमने किशोरी मंगल दल बनाए जाने के निर्देश विभाग को दिए हैं। बहुत जल्द उसका जीओ भी जारी होगा। जिस प्रकार से नवयुवक मंगल दल में हम अपने युवकों को प्रोत्साहित करते हैं, चाहे वो धनराशि देते हुए, चाहे उनको क्रिकेट किट देते हुए, चाहे उनको अन्य खेलों की ओर बढ़ावा देते हुए, या अब हम उनको आने वाले समय में जिस प्रकार से हम काउंसलिंग करने वाले हैं, वो काउंसलिंग का एडवांटेज वही अब जो है हमारी जो किशोरी मंगल दल होगा उसको भी मिलेगा, जिसमें 15 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक में और जो अविवाहित बालिका है वो इस दल का हिस्सा होंगे। निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं से अब किशोरी मंगल दल भी लाभान्वित होगा। हमारी कोशिश रहेगी कि लड़कियों का कोई भी एस्पेक्ट ऐसा छूटने ना पाए जिससे सरकार देना चाह रही हो लेकिन उनकी व्यवस्था ना हो और मिल ना पाए, तो हम कोशिश में ही लगे कि उनको भी हम लोग सशक्त करें। क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी कि इसमें कम से कम इस तरह की दिक्कतें ना आए? देखिए, खाद्य आपूर्ति विभाग में यदि किसी प्रकार की जो हमारे जो राशन विक्रेता हैं उनकी कई सारी समस्याएं हैं कि गोदाम से हमारे को सही मात्रा में हमारे को तोल कर राशन हमें गेहूं या चावल या चीनी या दाल हमें नहीं मिल पाता है, ये समस्या उन्होंने मुझे बताई है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हर आरएफसी गोदाम में जो है हमारे तो जो तोल मशीन है वो हमारे वहाँ पर लगे रहे, ताकि पूरी पारदर्शिता जो है वो बनी रहे। इसके अतिरिक्त राशन सही समय पर मिले, यह भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और मैं समझती हूँ कि मेरे रहते हुए हमारे खाद्यान्न विभाग में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना मैंने कभी बर्दाश्त किया है, ना आगे बर्दाश्त करूँगे। कार्रवाई यदि कोई उजागर होता हुआ होगा तो उस पर कार्रवाई भी आप देखेंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे जो राशन कार्ड धारक हैं उनको जो सरकार की ओर से सुविधा मिलनी चाहिए वो हमेशा मिलती रहे, और बल्कि उस सुविधा को हम आगे बढ़ाने की हमारी कोशिश रहेगी। बहुत जल्द बैठक रख के हम अपने राशन कार्ड धारकों की समस्या भी और हमारे जो डीलर हैं उनकी समस्याओं का निस्तारण भी हम लोग करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।